हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ट्राई करेंगे एक नॉनवेज थाली। तो आज मैं आया हूँ विराज जंक्शन। तो कोल्हापुर में बहुत सारी मैंने नॉनवेज थाली या मटन थाली ट्राई की। आज मैं हूँ कागल एरिया में। ये रोड है कोल्हापुर टू गोवा रोड, या फिर हम लोग कहेंगे कोल्हापुर कागल रोड। यहाँ पे मैं ट्राई करने वाला हूँ अन्नपूर्णा होटल में चिकन थाली, मटन थाली, मटन चॉप थाली। तो गोवा से आते टाइम मैं यहाँ पे रुका हूँ नॉनवेज खाने के लिए, क्योंकि मैंने गोवा में फिश थाली बहुत सारी ट्राई की है। उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, वो ज़रूर देख लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी लिंक दे दी है, उसे देखना मत भूलना। तो गोवन फिश भी काफ़ी अच्छी थी, उसका वीडियो काफ़ी बढ़िया बना है, उसे देखना मत भूलना। खाने पीने के लिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है। CCD है, मैगडी है, वेज नॉनवेज सारी थालियाँ यहाँ पे। बहुत सारे रेस्टोरेंट खुले हुए हैं। मैं तो कहूँगा अगर आप गोवा जा रहे हो कोल्हापुर हाईवे से तो यहाँ पे ज़रूर आना। तो ये वाली है मटन थाली, ये है मटन फ्राई, ये मटन ग्रेवी, और ये है मटन खीमा, ये है अंडा करी इसमें, और ये तांबड़ा पांडरा दिया हुआ है, भाकरी मिलती है। और इसके बाद ये वाली है चिकन थाली, इसमें है चिकन फ्राई, और ये है चिकन मसाला, ये है अंडा करी, तांबड़ा पांडरा इसमें भी दिया हुआ है, और ये रोटी, मैंने इसमें रोटी ले ली, और ये भाकरी, ये है स्पेशल मटन चॉप्स तांबड़ा पांडरा हमेशा की तरह, और ये है अंडा करी एडिशनल, और ये वाली है, ये है खीमा। ओके, तो ये तीन थालियां मैंने यहाँ पे ली है। तो देखो ये तीन थालियां मैंने मंगाई, कितना सारा इसमें देखो सारा नॉनवेज है, लेकिन इतना सारा हम लोग खाने वाले पूरी तरह नहीं है, मैं खा नहीं सकता, लेकिन ट्राई ज़रूर कर सकता हूँ। तो इसमें देखो मुझे लगता है कि हर एक थाली में ये तांबड़ा पांडरा दिया हुआ है, और ये वाला है अंडा मसाला, ये अंडा मसाला हर एक थाली में दिया है, और ये वाला है ये खीमा हर एक थाली में दिया हुआ है, और ये है हमारी मटन की प्लेट, ये मटन फ्राई करके दिया हुआ है, मसाला देखो रेड मसाला, वो ये है चॉप्स, ये है मटन चॉप्स। ओके, और ये है मटन ग्रेवी। तो सबसे पहले भाकरी के साथ मैं ये मटन फ्राई ट्राई करता हूँ, दिखने में कितना टेस्टी लग रहा है। देखो रेड मटन फ्राई, पहले इसको दिखाता हूँ, ये है मटन, इसको भाकरी के साथ ट्राई करूँगा। ओ, कोल्हापुरी मसाला यूज करके बना हुआ ये मटन फ्राई, क्या बात। और कोल्हापुर का ये मटन हमेशा भाकरी के साथ ही खाना चाहिए। मसाला कोल्हापुरी मसाला, ये इसमें होती है टेस्ट। उसके बाद में ये ग्रेवी मटन थाली में हम लोग ये ग्रेवी के साथ जो मटन दिया है ना वो ट्राई करें। सी, दिस वन इज डिफरेंट एंड दिस वन इज डिफरेंट, ये ग्रेवी वाला हो गया, अच्छी तरह से पका हुआ। इसमें थोड़ी मैं लेता हूँ ग्रेवी और ये मटन, वाह, इसका तीखापन अलग है और इसका टेस्ट अलग है। दिस वन इज नॉट स्पाइसी, ये स्पाइसी बिल्कुल भी नहीं है, ग्रेवी का टेस्ट अच्छी तरह से आ रहा है।
एंड दिस वन इज स्पाइसी। और सबसे अच्छा मुझे इसमें लगता है अलग ये तांबड़ा और पांडा। पहले मैं तांबड़ा पीऊंगा, स्पाइसी स्पाइसी गर्मा गर्म। पांडरा जल्दी नहीं पिएंगे, पहले मैं ट्राई करूंगा ये अंडा ग्रेवी ओनली। अंडा ट्राई नहीं करूंगा, ग्रेवी देखता हूँ कैसी है। रेगुलर जो हम लोग अंडा खाते हैं वैसी ग्रेवी है, अच्छी है। लेकिन ये वाला एक देखो, ये है कीमा, ये है कीमा देखो, इसके ऊपर तेल, इसके ऊपर ज़रा तेल दिख रहा है, लेकिन लेकिन ट्राई करते हैं इसको। देखो ये कीमा उठाते ही चमकदार दिख रहा है। कीमा इज ऑल्सो गुड, फ्रेश लग रहा है। कीमा काफी अच्छा है। वाह, तो ये हो गई मटन थाली। इसमें देखो सेम ही आइटम है, तो इसमें थोड़ा अलग है वो है मटन चॉप्स। ओके, तो ये मटन चॉप्स ट्राई करते हैं, काफी फेमस और बहुत सारे लोग खाते हैं इसे। ये देखो इसमें भी मसाला, देखो कितना सारा मसाला है, दिखने में काफी स्पाइसी। और नॉनवेज लवर्स हो तो ये खाना तो बनता है। चॉप्स थोड़ा फ्राई से अलग लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है इसके साथ जो मसाला है ना वो सेम है, सेम है, मतलब बुरा नहीं है। मैं कह रहा हूँ काफी अच्छा लग रहा है, टू गुड। अब खाते हैं पांडरा रसा, ये कोल्हापुर का पांडरा रसा। वाह, कीमा मटन चॉप सारे ट्राई कर लिए, अभी ट्राई करते हैं यहाँ का चिकन। ये चिकन फ्राई, ऊपर से पुदीना डाला हुआ है, टेस्ट अच्छा आएगा, पका हुआ है क्या देखते हैं पहले। लग रहा है तो चिकन के साथ जो मसाला यूज किया उसको टेस्ट करके देखते हैं। सेम मसाला है चॉप्स के साथ, चिकन के साथ और मटन फ्राई के साथ। देखो एक्स्ट्रा तांबड़ा और पांडरा भी यहाँ पर मिलता है। तो इस थाली में मैं ट्राई करूंगा चिकन मसाला विद रोटी। चिकन मसाला ग्रेवी काफी सारी दी है, चिकन के दो पीस है बड़े बड़े वाले, नहीं दो नहीं एक दो तीन, तीन पीस है बड़े बड़े वाले। तो चिकन मसाला ट्राई करता हूँ रोटी के साथ। इस थाली में मुझे लगता है एक ही रोटी मिलती है एक्चुअली क्वांटिटी, लेकिन मेनू में तो लिखा है दो मिलेंगे, मतलब बाद में देंगे। तो ये मसाला ट्राई करता हूँ। मटन तो हमेशा खाता हूँ, लेकिन ये चिकन मसाला काफी अच्छा लग रहा है, मसाला बहुत ही अच्छा बना है इन्होंने, मसाला मुझे अच्छा लगा। मसाले के लिए मैं थम्स अप दूंगा। तो जो राइस दिया है वो फ्लेवर राइस है, इसमें मैं ग्रेवी डालूंगा क्योंकि चिकन ग्रेवी मुझे सबसे अच्छी लगी इसमें।
भी अच्छा, ग्रेवी अच्छी, बहुत अच्छी ग्रेवी बनाई। तो यहाँ पे मैंने खाई मटन थाली, स्पेशल अन्नपूर्णा मटन थाली थी 400 रुपए की। उसके बाद में मटन चॉप्स थी 390 रुपीस की। उसके बाद में चिकन थाली थी 340 रुपीस में। तीनों थालियाँ अच्छी थी, लेकिन मुझे सबसे अच्छा लगा चिकन चॉप्स और चिकन की ग्रेवी। ये दो आइटम मुझे काफ़ी अच्छे लगे और तीनों थालियाँ प्राइस के हिसाब से मुझे अच्छी लगी। अगर आपने यहाँ पे कुछ खाया है और पहले ट्राई किया है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि मैंने कहा वो सही है या गलत है। तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और ऐसे ही फूड रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अदर फूड रिलेटेड वीडियोस देखना ना भूलें।